बेटियां भी बेटों से अब किसी मामले में पीछे नहीं है। हरियाणा के शैक्षणिक एतबार से पिछड़े नूह जिले के उजीना गांव की अब एक बेटी इस जिले का नाम रोशन करने जा रही है। इस बार दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारतीय वायुसेना की महिला टुकड़ी का प्रतिनिधित्व गाँव उजीना की बेटी वर्षा छोकर करने जा रही है। इसे उजीना गाँव ही नहीं बल्कि जिले भर के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वर्षा छोकर के पिता अशोक छोकर ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी बेटी से प्राप्त हुई तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारतीय वायु सेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट वर्षा छोकर आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस दिल्ली में होने वाली परेड में भारतीय वायु सेना का प्रतिनिधित्व करेगी। इस परेड की गवाह पूरी दुनिया बनेगी। उजीना की इस बेटी के बढ़ते हुए कदमों से हर मेवाती का सीना चौड़ा हो जाएगा। भारतीय वायु सेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट वर्षा छोकर के इस नेतृत्व के बाद मेवात में बेटियों की तालीम पर भी इसका विशेष असर देखने को मिलेगा। इससे पहले भी मेवात के कीरा गांव की बहू किरण शेखावत की शहादत ने भी इस जिले को गौरवान्वित किया था। वहीं इस मामले में मेवात जिला उपायुक्त श्री धीरेन्द्र खटगड़ा का कहना है कि बड़े खुशी की बात है कि मेवात की एक बेटी भारतीय वायुसेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट वर्षा छोकर द्वारा आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस दिल्ली में होने वाली परेड में भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करेगी। बड़ी ही खुशी और हर्षोल्लास की बात है। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार से और अन्य बेटियां भी मेवात जिले का नाम रोशन करें तथा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। देखिए रिपोर्ट। कि हमारे जिले की एक बच्ची इतना बड़ा काम करने जा रही है और गणतंत्र दिवस पे, वो भी 75वें गणतंत्र दिवस पे, उनको जो पूरी टुकड़ी है उसका निरीक्षण, उसका लीड करने का मौका मिला। उन्होंने ना सिर्फ उजीना का बल्कि मेवात का, पूरे देश का नाम ऊंचा उठाया किया है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये बात साबित की है कि बच्ची बच्चों से किसी से कम नहीं है और वो ठान ले मन में तो कुछ भी कर सकती है।